लॉकडाउन की वजह से वो हमें मिल नहीं पाया, आज दूसरी बार फिर निकला है। ये सारा अटाला अंदर ही रखा हुआ था, आज देखते हैं भाई साहब ने रूम खाली कर दिया है। फटो तुम हट जाओ, और बहुत अटाला तो है यार अंदर, कहीं भी नहीं हमें हटा दिया था। लकड़ा लकड़ी लाइट बता, बहुत बड़ा सांप है, नहीं बहुत बड़ा सांप है ये यार। ये खोल तो गेट खुल जाए, कैसे खुलेगा ये? बहुत शानदार सांप है दोस्तों, काफी लेंथ है। अरे पकड़ लो, पकड़ लो दोस्तों, काफी लेंथ है भाई साहब, बहुत डर रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये गाड़ी में ये बस पीला भी आ रही भाई, चलो भाई अंदर नहीं कुछ ना, चलो बाहर चलो। वैसे ऐसा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, सब जहरीला भी नहीं होता है। तो भाई बहुत डर रहा है, इसको घोड़ा बचाओ। रेड इसने क्या बोला था ना, ये चूहे खाने की मशीन है दोस्तों। आज बहुत से लोगों को इसको ये सुना है कि गुरु जी हम ऐसे बड़े सांपों को बंदूक से मार देते हैं। देखिए दोस्तों, ये किसी प्रकार से नुकसानदायक नहीं है और न ही आक्रामक होता है, ये सीधी सादी चूहे खाने की मशीन होती है दोस्तों, किसानों का दोस्त। लेकिन फिर भी हम लोग समझ नहीं रहे और प्रकृति के दिए हुए इन नायाब तोहफों को हम होते जा रहे हैं दोस्तों। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, पानी का डिब्बा देना ढक्कन वाला, पानी ला के देखना। अब हम इसको एक सुरक्षित स्थान पर रेस्क्यू कर छोड़ने के लिए ले जा रहे हैं। साथ में थोड़ा पास से लो ना, बाल्टी बना ले, बाल्टी अच्छा लेंथ है, लेंथ काफ़ी अच्छी है, फ्रेम में नहीं आएगा बिल्कुल, प्यास उसका मुँह आना चाहिए। ऐसे बड़ा शानदार सांप था दोस्तों, पास से लूँगा तो फ्रेम में नहीं आएगा। शांति रखो, तुम छोड़ देंगे जंगल में, छोड़ देंगे शांति रखो। ये तब से यही था ना? हाँ, वो करीब चार महीने हो गए दोस्तों जब हो। मैं इसको रेस्क्यू करने के लिए आया था, लेकिन ये सारा अटाला अंदर रखा हुआ था और ये उस अटाले में छिप गया था इस सामान में, इस कारण मैं उसको रेस्क्यू नहीं कर पाया। लेकिन चार महीने के बाद भी फिर इतना बड़ा इसमें ये इसमें ढक्कन नहीं है, दूसरा पानी का खाली कर लो, जो भरा हुआ है वो खाली कर लो, पानी के ऐसे इसका ढक्कन ढूंढ लो। जाओ मेरे, एक काम करो, मेरी गाड़ी में डिक्की में बैगर रखा हुआ लेके आओ, डिक्की ये लो, चलो एक कपड़े की थैली है पानी का टुकड़ा लगा उसमें, ले पकड़, ये डब्बा में डालना है ठीक है, वो बंद करेंगे ना उसको। वहाँ गेट में दब रहा था, ऊपर टॉन्ट पे था, इसको पेड़ों पे चढ़ने में बड़ी महारत है दोस्तों, पेड़ों पर ही ऐसा चलता है जैसे मछली पानी में तैरती है। इसको घोड़ा पछाड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि दौड़ अगर इसकी घोड़े पर से किया जाए तो ये घोड़े को दौड़ने में पछाड़ देता है, घोड़ा इसको शाम तक पकड़ नहीं सकता है दौड़ने में, इसीलिए इसको घोड़ा पछाड़ कहा जाता है, अन्य किसी कारण से नहीं। लोग इसको प्रकार से इसके पूँछ में जहर होता है और पता नहीं क्या क्या लोग इसके बारे में भ्रामकता फैली हुई है। अब देखिए, मैंने इसको डायरेक्ट हाथ से पकड़ रखा है, इसे कोई खतरा नहीं है, नहीं तो खतरों को मैं भी पास में नहीं आने देता हूँ। जीवन मुझे भी उतना ही प्यारा है जितना आप लोगों को, लेकिन किसी को तो रिस्क लेना भी पड़ेगी। नेट लगा लो एक अच्छी शानदार, गार डाल दो नीचे से, उसमें कुछ भी नहीं अंदर आ सकता, आएगा तो दिखेगा, साफ सुथरी जगह में। अभी ये साफ था तो तुमको दिख गया, अभी फिर अटाला होता तो फिर सांप में फिर चले जाता वापस, तुमको रहना था, मैंने तो सांप दिखा ही नहीं था, है ना, ऐसे रिस्क ना। चलो दोस्त चलो अंदर, चलो इस तरह भैया। दोस्तों, जिस सांप को अभी हमने चौराहा माता जी के मंदिर के पीछे से पकड़ा है, उसको हम उसके अनुकूल स्थान पर लेकर के आए हैं ताकि फिर से इंसानों का
इससे मिलभेट ना हो सके। काफ़ी लेंथेड सांप है दोस्तों, काफ़ी बड़ा है, लोग इस तरह के सांपों को देख कर डरते बहुत हैं। बाकी इस बेचारे का उसमें कोई दोष नहीं है कि न तो ये जहरीला होता है और न ही इंसानों पर आक्रमण करता है, केवल ये चूहे खाता है। कहीं भी इस प्रकार के दुख सांप निकले जीव जंतुओं को मारे नहीं दोस्तों। प्रकृति में जितनी अहमियत हम इंसानों की है उससे कहीं ज़्यादा इनकी है। ठीक, अब जाओ दोस्त, अब इंसानों के बीच में चलो जाओ, चलो दिल मिल जाए तो बहुत अच्छा।